हेलो एवरीवन, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज की व्लॉग में हम बात करेंगे महिंद्रा की जो XUV500 गाड़ी है उसके इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो ये है गाड़ी का इन्फोटेनमेंट सिस्टम, बहुत ही शानदार है दोस्तों। ये गाड़ी का थर्ड मॉडल है W6, फिर भी जैसे टॉप मॉडल में मिलता है वही सभी इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स और सभी स्विचेस आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। तो इस गाड़ी के जो म्यूजिक प्लेयर है, मतलब इन्फोटेनमेंट सिस्टम, उसके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और क्या फीचर्स है इसके इन्फोटेनमेंट सिस्टम में वो हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि उसके जो कंट्रोल्स है, स्टेयरिंग पर अगर आप बात करो तो इधर इतने ही कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जैसे इधर सोर्स है जिसमें आप USB पेन ड्राइव वगैरह सब जो ऑक्स वगैरह होता है FM वो सेट कर सकते हैं। इधर आप म्यूट कर सकते हैं, फिर दबाओगे तो अनम्यूट हो जाएगा। इधर आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। और इधर अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो अगर कॉल आया तो ए बटन दबा के आप कॉल रिसीव भी कर सकते हो, कॉल कट भी कर सकते हो। और अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड नहीं है तो अगर आप ये बटन प्रेस करोगे तो अगला सॉन्ग प्ले होगा, और ये आप प्रेस करोगे तो आपका प्रीवियस सॉन्ग प्ले होगा। तो इतने कंट्रोल्स आपको स्टेयरिंग पर मिल जाते हैं। अब बात करें इस इन्फोटेनमेंट सिस्टम की, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इन्फोटेनमेंट सिस्टम। और अगर हम इधर बात करें तो इधर आपको टेम्परेचर पता चलता है, अभी बाहर का जो टेम्परेचर है, मतलब ये देखिए आप गाड़ी की सिंबल दी जाती है, अगर ये आप पकड़ो तो 34 डिग्री सेल्सियस, मतलब गाड़ी के बाहर का टेम्परेचर है। और अभी मैंने गाड़ी ऑफ किया, इंजन ऑफ है, इसलिए यहाँ पर लो डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। अगर गाड़ी चालू है और AC लगाओगे आप तो गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो इधर शो हो जाएगा। बाद में जो कूलिंग फैन होता है, अभी गाड़ी ऑफ है इसलिए 0 दिखा रहा है, अगर आप कूलिंग फैन ऑन करोगे तो आप कितना ऑन कर रहे हैं वो दिखा रहता है। गाड़ी में अगर वाईफाई कनेक्टेड है तो यहाँ पर साइन आ जाती है, चार्जिंग भी आता है, और आपको ये सब डिटेल्स भी दिखाई देता है। अब आप देख सकते हैं अभी आज 21 मई है तो 21 थर्सडे भी दिखा रहा है गाड़ी में, और ये टाइमिंग भी दिखा रहा है, अभी आप देख सकते हैं 9:29 बजे है। और इन्फोटेनमेंट सिस्टम में ऐसे आता है दोस्तों, जो सॉन्ग अभी मैंने एक ब्लूटूथ लगा के सॉन्ग कनेक्ट किया था देखने के लिए, तो साउंड क्वालिटी भी अच्छी है और इस प्रकार सॉन्ग का डिटेल्स आता है। फोल्डर भी आता है आपका, डाउनलोड फोल्डर में है मेरे मोबाइल में, और सॉन्ग कितना अभी मतलब कितना प्ले हो गया है वो भी आता है। और आप इससे एडजस्ट भी कर सकते हो, अभी आपको फिर से इधर से लगाना है तो आप इधर क्लिक करोगे तो फिर से हो जाएगा। और टोटल ये भी दिखाता है, अभी देखिए अभी जो सॉन्ग बज रहे वो इतने मिनट्स का हो गया और टोटल सॉन्ग 4 मिनट्स का है। इधर से भी आप प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, इधर भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो, नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग कर सकते हो, और शफल भी करते हो। शफल मतलब जो प्रॉपर फोल्डर है उससे सॉन्ग प्ले नहीं होगा, कौन सा भी सॉन्ग प्ले हो सकता है। तो ऐसे भी फीचर्स है, और क्या क्या फीचर्स है इसमें हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इधर सेटिंग पर क्लिक करोगे तो सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको ये सब मिल जाता है, मतलब जो इक्वलाइजर, जो बेस होता है, मिड रेंज वो सब मिल जाता है, बैलेंसर फेड होता है, मतलब स्पीकर्स आप एडजस्ट कर सकते हो, कौन से में आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, कौन से में कम चाहिए। लेकिन हमने इस गाड़ी में ऑल स्पीकर्स पर सेम रेंज रखी है, इसलिए गाड़ी में जो आवाज़ आती है सॉन्ग्स की वगैरह वो अच्छे से आती है। क्योंकि अगर आप एडजस्ट करके एक पर ही ज़्यादा लोड रखोगे तो एक साइड में ज़्यादा आवाज़ आएगी, एक साइड में कम। तो ये कुछ कंट्रोल सबको मिल जाते हैं। और बात करें होम की, तो होम में जाने के बाद आपको पहले ये मीडिया मिल जाता है, मीडिया मतलब यही जो सॉन्ग्स वगैरह होता है वो। और अगर हम ये फ़ोन की बात करें तो इधर अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो सब डिटेल्स दिखा रहे हैं। अभी मेरा जो फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A7, तो इसका नाम दिखा रहा है, देखिए डिवाइस नेम और ये सैमसंग गैलेक्सी A7 दिखा रहा है। अगर हम कॉन्टैक्ट्स की बात करें तो ये फिर से देखिए कॉन्टैक्ट्स दिखा रहा है, मतलब मेरे क्या क्या कॉन्टैक्ट्स है वो। अगर आप कॉल लॉक्स की बात करें तो कॉल लॉक्स भी दिखा रहे थे कितने, देखिए अभी ऑल दिखा रहे हैं। अगर मैंने डायल में क्लिक किया तो मैंने डायल किया है वो, मिस कॉल्स भी आते हैं, रिसीव्ड कॉल्स भी आते हैं, तो सब आते हैं। और अगर हम कॉल लॉक भी आपको दिखा दिया मैंने, ऐसे आता है। और अगर डायल पैड की बात करो तो इधर क्लिक करो तो डायल पैड आ जाता है, अभी मैं किसी का भी नंबर डायल करूंगा और इधर से देखिए इस प्रकार जब आप डायल करते हैं तो कॉल का ऑप्शन आता है, देखिए तो अभी ये इनविजिबल हो गया। जब तक आप नंबर नहीं दबाओगे तब तक इनविजिबल रहेगा, आप देखिए जब मैं नंबर प्रेस करूंगा तो ये विजिबल रहता है। तो आप अगर कॉल करोगे तो आपके मोबाइल से डायरेक्टली किसी को कॉल लग सकता है। तो ये भी है एड डिवाइस, मतलब ये डिवाइस डिसकनेक्ट होकर और दूसरा डिवाइस आपको चाहिए तो आप ऑन भी कर सकते हो। और फिर से अगर आप देखो तो इको सेंस मतलब आपका एवरेज स्कोर दिखा देता है, तो आप देख सकते हैं 100 इंस्टेंट स्कोर है, उसमें से गाड़ी को भी 97 एवरेज स्कोर है गाड़ी का। बात करें इधर की तो इधर आपको नेविगेशन मिलता है, तो नेविगेशन में आप देख सकते हैं किधर आप है वो एग्जैक्टली, इस प्रकार आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, और इधर से भी आप चाहो तो ऐसे जूम कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ प्लेस सर्च करनी है तो इधर सर्च बार है, आप ऐसे करोगे तो सर्च हो जाएगा। सर्च मेनू आने के बाद आप कुछ भी सर्च करते हो, अभी मैं इधर साकली में हूँ तो इधर से मैं डालूंगा फोंडा डाल के देखेंगे हम, FONDA, और बाद में हम सर्च मारेंगे। तो सर्च मारने के बाद अभी देखिए एड्रेस आ रहे हैं सब, ठीक है अभी फोंडा बाईपास डालेंगे हम।
फुंडा बाईपास अगर मैं डालू और नेविगेट टू डालने का मतलब नेविगेशन दिखा रहे थे कैलकुलेटिंग रूट प्लीज वेट, तो आप देख सकते हैं अभी ऑलमोस्ट रूट कैलकुलेट हो गया है। तो सकलीम से फुंडा जो बाईपास रोड है उधर जाने के लिए हमें 31 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा, और जो टाइम लगेगा एवरेज गाड़ी का कैलकुलेशन के हिसाब से रास्ते पर तो 1 घंटा 8 मिनट ये टाइम लगाएगा। तो इसके बाद आता है प्लीज़ कन्फर्म द रूट, मतलब अभी मुझे जाना है तो मैं कन्फर्म के बाद अगर ओके प्रेस करूंगा तो ये नेविगेशन शो हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इधर मैं हूँ इसलिए 0.1 दिखा रहा है और इधर जाने का है हमें इसलिए 0.2 दिखा रहा है। तो ये फीचर रहा नेविगेशन का। और यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स है जैसे कि आप इधर से अभी सॉन्ग का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम कम भी कर सकते हैं, इस प्रकार ये रोल होता है। इधर से भी आप अगला सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, प्रीवियस सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं, फोल्डर चेंज कर सकते हैं सॉन्ग का। इधर से भी इधर सेटिंग बटन है, इस पर भी आपका जो इक्विलाइजर वगैरह जो ऑडियो के सेटिंग्स हमने देखे थे वो भी आप इस पर एडजस्ट कर सकते हो। बाद में इधर भी आपको वही मिलता है इक्विलाइजर वगैरह सब। और अगर हम ये इन्फो प्रेस करें बटन तो गाड़ी में जो फ्यूल है उससे गाड़ी और कितने किलोमीटर जाएगी ये हमें पता चलता है। आप देख सकते हैं अभी एवरेज गाड़ी की माइलेज अभी 12.4 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहे, लेकिन ये गाड़ी बंद है इसलिए दिखा रहे। अगर मैं गाड़ी चालू करूँ तो गाड़ी के जो चलने की स्पीड होगी उसके हिसाब से माइलेज चेंज होते रहेगी। तो एवरेज गाड़ी की माइलेज 14 से 15 आपको आराम से आ जाती है, अभी गाड़ी बंद है इसलिए 12.4 आ रहे। तो गाड़ी में जो फ्यूल बचा है अभी आप देख सकते हैं इतना फ्यूल बचा है, देखिए ये होता है पूरा फुल, अगर फुल रहा तो इतना तक आएगा और अभी ये 4 ही दिख रहे हैं, मतलब फ्यूल थोड़ा सा कम है, लेकिन इतने फ्यूल में भी गाड़ी 235 किलोमीटर आराम से जा सकती है। तो डिस्टेंस टू एम्प्टी में आपका गाड़ी का वो भी दिखा रहता है। और इधर से भी आप म्यूजिक को म्यूट कर सकते हैं इस प्रकार, अगर ये प्रेस करोगे तो म्यूट हो जाएगा। और ये रहे कुछ गाड़ी के और कंट्रोल्स जो हमने इधर टच पर अप्लाई किए थे, वो आप इधर से भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये है नेविगेशन, अभी आप इधर से नेविगेशन ऑन कर सकते हैं। इधर से अगर प्रेस करोगे तो आपका फ़ोन का डिटेल्स आएगा, अभी सैमसंग गैलेक्सी A7 मैंने आपको दिखाया था वैसे ही। अभी होम बटन प्रेस करोगे तो सब ऑप्शंस आएंगे, म्यूज़िक प्रेस करोगे तो फिर से म्यूज़िक के कंट्रोल्स आएंगे और FM प्ले होगा। देखिए आप देख सकते हैं अभी ब्लूटूथ था वो FM में कन्वर्ट हो गया, 92.80 FM लगाया। बहुत ही ईजी है यूज़ करने में ये एम्फोटेनमेंट सिस्टम दोस्तों, और आप इसे मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आपको अगर ये टच पर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बटन्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली देखिए हर एक फंक्शन के लिए एग्जैक्ट बटन दिया, जैसे कि ये है नेविगेशन, ये है फ़ोन, ये है होम, ये म्यूज़िक, रेडियो, और ये आपको देख के पता चलता है ये अभी नेक्स्ट सॉन्ग प्रीवियस, इस प्रकार आपको कंट्रोल सब मिल जाते हैं। तो और कुछ जानकारी आपको गाड़ियों के रिलेटेड चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कुछ कार इन्फो वगैरह चाहिए तो भी हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी काम जरूर करेंगे। तो वीडियो पसंद है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और मेरा चैनल ऋतुराज97 सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर रोज ऑटोमोटिव कंटेंट बनाता हूँ और मेरे ट्रेवल व्लॉग भी एड करता हूँ, तो आप मेरे चैनल पर मेरे बाकी के व्लॉग्स भी देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।